नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 28 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है नागपुर। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये नागपुर में स्थापित किया जाएगा, तो सी ऑप्शन नागपुर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अब महाराष्ट्र का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन ये नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया, ये फिफ्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंट्री ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये फैसला लिया गया था। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र राज्य का माधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है, ये 10th पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये 12 पॉइंट आप याद रखेगा जो महाराष्ट्र के करंट अफेयर से संबंधित हैं। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये देखिए आप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई इसकी कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और DNHDDA क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लेक की बात करें, लोनार लेक, वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम की बात करते हैं, कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम भीमा रिवर के ऊपर है, इसलिए इसे भीमा डैम कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम, 36 जिले हैं लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गोगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। तो ये तो बात करी हमने महाराष्ट्र के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अगस्त 2022 को किस राज्य में खादी उत्सव को संबोधित किया? तो ये गुजरात में किया, बी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीच चाइना से लाई गई थी। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ, याद रखिएगा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ, ये उत्तर प्रदेश में। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर स्टेटस दिया जा चुका है। गुजरात में कच्छ जिले में कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। तो ये तीन पॉइंट ये गुजरात से संबंधित हैं जो आपको याद रखने हैं। अब लोकेशन देखिए आप गुजरात की, ये लोकेशन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे हैं। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे हैं। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे हैं। कड़ाना डैम माही रिवर के किनारे हैं। 33 जिले हैं लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क
इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में, इसीलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बार्द हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो ये तो बात करी हमने गुजरात के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया? थाईलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपीन पीस है, प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस है। यूक्रेन की कैपिटल क्यूव है, करेंसी रेविनिया है, प्रेसिडेंट है व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की। अब बात थाईलैंड की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, यह है थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक है, यही लार्जेस्ट सिटी है, थाईबर्ट करेंसी है, और ये थे प्रधानमंत्री प्रियोत चान ओचा, जिनको अब निलंबित कर दिया गया है, तो इनका नाम आप याद रखेगा। फोर्थ क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन, ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये देखिए आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो भी सुर्खियों में रहे हैं। इस स्लाइड का देखो आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, 2022 में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है, सी ऑप्शन 26 अगस्त, ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ जुलाई और अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको खुद ही कवर करने हैं। अगस्त 2022 में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है साउथ कोरिया ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी प्रेसिडेंट है यून सुक योल। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। इजिप्ट की कैपिटल करेंसी है और ये कैपिटल कायरो है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। तो बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलेगा? ये खुलेगा बेंगलोर में, सी ऑप्शन, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है चेस यानी शतरंज से, तो सी ऑप्शन एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर असगर वजाहत, बी ऑप्शन जो है ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। सिंगापुर की तेज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 2022 में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? यूक्रेन, सही आंसर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन बना? भारत। अगस्त 2022 में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? फहमीदा अजीम, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये बांग्लादेश से है। COP 27 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा इजिप्ट में। अगस्त 2022 में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया? माली, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? 24 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने दो रेलवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग IGRC की 38वीं बैठक 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई? अगस्त 2022 में किसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।